दोस्तों, जीवन और मौत के बीच सिर्फ एक सांस की दूरी होती है। अगर आपका एक बार सांस रुक जाए तो आपका मौत तो तय है। और ये सांस लेने का काम हमारे फेफड़े यानी लंग्स करते हैं। हम लोग दूसरे ऑर्गन, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो या हार्ट हो, इसके ऊपर जितना ध्यान देते हैं शायद उतना ध्यान फेफड़ों के ऊपर नहीं देते हैं। आप जानकर हैरान होंगे, दुनिया में जितनी भी मौत होती है फेफड़ों की बीमारी के वजह से जो मौत होती है वो तीसरे नंबर पर आते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग 5 ऐसे बिंदु के बारे में बात करेंगे जिससे आप लंबे समय तक अपने फेफड़े को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एम इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्मोकिंग। दोस्तों, हमारे फेफड़ों के लिए स्मोकिंग बेहद एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपका फेफड़े का बीमारी होने का खतरा 12 से लेकर 13 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि स्मोक के दौरान हजारों गैस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसमें कार्बन मोनोक्साइड, निकोटीन और टार फेफड़ों में जाकर धीरे धीरे करके छोटे छोटे होल को ब्लॉक करने लगता है और टॉक्सिन के रूप में जमा होता है। हमारे फेफड़ों का उतना ताकत नहीं होता है इस टॉक्सिन को बाहर निकालने का। इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारे फेफड़ों का जो कैपेसिटी है वो घटने लगता है और अंत में जाकर लंग्स कैंसर तक होती है। और जितने भी दुनिया में लोग कैंसर की वजह से मरते हैं, इसमें लंग्स कैंसर सबसे ऊपर है। इसीलिए अगर आप अपने लंग्स को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। अगर आप स्मोकिंग करते भी हैं तो आज ही स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग के वजह से हमारे लंग्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। नंबर 2 है एक्सरसाइज। दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके पूरे शरीर फिट रहता है और उसके साथ आपका लंग्स भी बाद नहीं जाता। लंग्स का भी एक एक्सरसाइज होता है जिसमें लंग्स के हर एक कोशिकाओं को अच्छे से ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई होता है और उसका परफॉर्मेंस जो है और भी बढ़ जाता है। इसीलिए आपको खासकर एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज से आपके शरीर में ऑक्सीजन और खून की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें लंग्स बहुत तुरंत ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने लगता है। इसी तरह उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपके लंग्स लंबे समय तक स्वस्थ रहे तो आपको हर रोज़ कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, जॉगिंग हो या स्विमिंग, आपको हर रोज़ करना है। इससे आपका हार्ट के साथ साथ लंग्स का भी परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। नंबर 3, पॉल्यूशन। दोस्तों, पॉल्यूशन भी हमारे लंग्स के लिए एक बेहद ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि पॉल्यूशन के वजह से कई ऐसे लंग्स की बीमारी होती है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। खासकर अगर आप कोई शहरी इलाका या अगर जिस इलाका में आप रहते हैं उस इलाका में ज़्यादा फैक्ट्री होती है तो वहाँ पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होती है। और कई ऐसे समय होते हैं, खासकर विंटर सीजन में सुबह और शाम को पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय आप बाहर ना जाकर आप घर पर ही रहे। और इसके अलावा अगर आप कोई ऐसे फैक्ट्री में काम करते हैं जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री, टाइल्स फैक्ट्री, ये सब में डस्ट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप अच्छे से पीपीई मेंटेन करें, यानी पीपीई पहने। इससे आपका डस्ट फेफड़ों के अंदर नहीं जाती है और कई ऐसे बीमारी से आप बच सकते हैं। और घर के अंदर रहते समय एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, घर में अगर डस्ट की मात्रा ज़्यादा होती है या आपका रोड साइड में घर है तो आप अच्छे से डस्ट को क्लीनिंग करें और घर को अच्छे से वेंटिलेशन रखें। नंबर 4, इन्फेक्शन। दोस्तों, हमारे लंग्स को इन्फेक्शन से काफ़ी खतरा होता है और ख़तरा ज़्यादा होता है ज़्यादा उम्र में, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारे इम्यूनिटी कमज़ोर होती रहती है और कई ऐसे फ्लू और वायरस होते हैं जो लंग्स को अटैक करते हैं और इसके वजह से हमारी जान भी चली जाती है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए अपना हाथ को फ्रीक्वेंटली धोए और हाथ को बार बार मुंह में ना दे। इससे फ्लू और वायरस का इन्फेक्शन होना बहुत आसान हो जाता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बैलेंस और प्रॉपर डाइट ले। खासकर आप फ्रेश वेजिटेबल अगर फ्रूट लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे आप ये सब बीमारी से बच सकते हैं। नंबर 5, डीप ब्रीदिंग। दोस्तों, हमारे लंग्स के हेल्थ के लिए डीप ब्रीथ करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग शैलो ब्रीथ करते हैं, क्योंकि चेस्ट से सांस ले लेते हैं। इससे आपका 25% जो लंग्स का कैपेसिटी है वो यूटिलाइज होते हैं। बाकी 75% यूटिलाइज ना होने की वजह से धीरे धीरे करके आपका लंग्स का कैपेसिटी घटता रहता है। इसीलिए डीप ब्रीदिंग लेना है। और डीप ब्रीदिंग लेने का तरीका है, आप पेट से सांस ले। चेस्ट से अगर आप सांस लेंगे तो शैलो ब्रीथ होता है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग नहीं होता। अगर आप पेट से सांस लेंगे तो आपका डायफ्राम काम करने लगेगा और इससे आप डीप ब्रीथ ले पाएंगे। इसे करने के लिए आप हर रोज़ 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे सांस खींचे और धीरे धीरे सांस छोड़े। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे
तो आपका लंग्स का कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और इससे आपका लंग्स ताकतवर भी बनेगा। दोस्तों, अगर आप इस पांच चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं और अपना डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपका लंग्स अच्छे से काम भी करता है और लंबे समय तक स्वस्थ भी रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।